हमारा नाम सरिता है और हम ब्रेक थ्रू के ब्रेक थ्रू से इसलिए ऐसे जुड़े हैं। हमारी एक सुशीला आंटी है, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक ट्रेनिंग हो रही है ब्रेक थ्रू के लिए, ब्रेक थ्रू से, तो इसलिए हम यहाँ इस ट्रेनिंग में आए। और हमने ये ट्रेनिंग 16 नवंबर 2009 में की थी, 3 दिन की। डर के बारे में पहले तो हमें पता नहीं था, जब हम यहाँ पे आए, जिस दीदी ने हमें ट्रेनिंग दी, इस जब हमें पता चला जेंडर क्या होता है, और घरेलू हिंसा के बारे में जानते थे लेकिन इतना नहीं जानते थे, लेकिन कहीं होती थी घरेलू हिंसा, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि उनके यहाँ जाके ये कह सके घरेलू हिंसा मत करो, लड़ाई मत करो, ये है। तो जब हमें दीदी ने बताया कि बेल बजाओ, तो हमारे बगल में हुई थी लड़ाई, हस्बैंड वाइफ में हो रही थी, तब मैं उनके यहाँ बेल बजाने गई और उनसे कहा, और मैंने उनके यहाँ चाय पत्ती मांगी थी, हमारे जिया जी आए थे, तो उनके यहाँ फिर लड़ाई बंद हो गई, और तब उनके यहाँ तक अभी तक लड़ाई नहीं हुई है। जब हमने ब्रेक थ्रू के बारे में अपनी मम्मी पापा से बात करी है, तो उन्होंने कहा अच्छा है, और उन्होंने कहा अगर ऐसा हो तो आप ब्रेक थ्रू से जुड़ भी सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ। शिवानी से ब्रेक थ्रू से हम लोग जुड़ चुके हैं, और ये लोग जो हमने ट्रेनिंग दी थी हम लोग को, उस ट्रेनिंग से हम लोग ने जो सीखा वो अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आपके अनुसार आप अपने समुदाय में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए क्या बदलाव ला सकते हो? हमने जो घरेलू हिंसा की ट्रेनिंग ली है कृति दीदी से, उसमें हम ट्रेन हुए हैं, और हम अपने समुदाय में एक लड़कियों का ग्रुप बना के उन्हें घरेलू हिंसा की ट्रेनिंग दे सकते हैं, और वो अपने घर भी जाके घरेलू हिंसा को रोके, और आस पड़ोस में भी घरेलू हिंसा को रोके, और उन्हें बताए भी घरेलू हिंसा के बारे में। हमारे आस पड़ोस में घरेलू हिंसा हो भी रही है तो हम उसे रोकना चाहेंगे ज़रूर। और इस आज घरेलू हिंसा होती है जो हमारे समाज में भी भ्रमण बहुत होता है कि इनके यहाँ लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, कैसी औरतें चिल्लाती हैं, और लड़कियों को भी अपने ऊपर थोड़ा अपने ऊपर भी आत्मनिर्भर होना चाहिए कि अपने ऊपर अत्याचार ना सहे और उसका जवाब भी दे।